चलिए आज हम एक खास चोर से मिलाते हैं जिसकी अपनी खासियत है। समाज में कई तरह के चोर सक्रिय हैं, कोई टैक्स चोरी करता है तो कोई सरकारी खजाने पर सेंध लगा रहा है तो कोई सरकारी पद पर बैठकर घूस ले रहा है। पर यह चोर उन सबों से अलग है और चोरी भी एक खास चीज़ की करता है जिसका नाम है शराब। जी हाँ, वह सिर्फ शराब की ही चोरी किया करता था। अब आप कहेंगे कि इसमें खास बात क्या है, तो जनाब वही बात हम आपको बताने जा रहे हैं जो बेहद खास है। वह उन शराब के बोतल पर हाथ फेरता था जिसे छूने की ताकत आप में नहीं होगी। जिन शराब के बोतल की कीमत ही 20,000 रुपयों से शुरू होती थी, उन शराब के बोतलों को बड़े ही इत्मीनान से चुराया करता था। और तो और, वह किसी दूसरे दुकान की तरफ पलट कर भी नहीं देखता था। और उसने अब तक तकरीबन 16 शराब के दुकान पर हाथ फेरे हैं। यकीन नहीं होता तो चलिए शरीफ चोर की हम आपको CCTV फुटेज दिखाते हैं कि चोर कैसे एक दुकान में घुसा और 1.5 घंटे तक बड़े इत्मीनान से चोरी के वारदात को अंजाम दिया। महंगी महंगी शराब के बोतल एक बोरी में भरा, उसके बाद उसे लगा कि उसके बॉडी में एनर्जी थोड़ी खत्म हो गई है। तब उसने रेड बुल पर भी हाथ साफ कर दिए ताकि शरीर में एनर्जी बने रहे। देखे कितने शांति से निडर होकर कीमती शराब को शर्ट के नीचे से निकाल लिया। यह आखिरी फुटेज है जो बोरी उसने कंधे पर ला दी और चलता बना। कोई रोकने वाला नहीं, शांति के साथ उसने महंगे शराब पर हाथ फेरे। वह अपने दोस्तों को भी महंगी शराब पिला चुका है, पर बदकिस्मती से वह पकड़ा गया और आज वह पुलिस के गिरफ्त में है। हमने उस दुकान का भी जायज़ा लिया जहाँ चोर चोरी के वारदात को अंजाम देकर निकल चुका था। दुकानदार ने बताया कि अब उतनी कीमती शराब हमारे दुकान में नहीं है। देखे दुकानदार ने वह जगह दिखाया। अच्छा ये बताइए, ये जो महंगी महंगी शराबें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महंगी कितनी कीमती शराब आती है? बोतल जो आपके दुकान से इसके पहले चोरी हुई है उसकी कीमत लगभग क्या रही होगी एक एक बोतल की? 18,500 तक की थी मेरे पास। 18,500 की भी बोतल थी? हाँ, दो बोतल थी 18,500 की, वो भी चोरी लेकर चोर लेकर चला गया। एक बोतल थी 11,025 की, वो भी लेके गया। अच्छा 11,025 वाला भी ले गया है। ओके, तो ये जो महंगे हैं आप लोग साइड में यहाँ पे रख देते हैं। और 12,000 के दो बोतल लेके गया। अच्छा 12,000 का दो बोतल भी ले गया है। 12,000 दो बोतल। अभी आपसे यहाँ पर अगर बात की जाए सबसे महंगी शराब की, तो कौन सी सबसे महंगी कौन सी है अभी आपके पास? अभी सबसे महंगी मेरे पास 9,500 की है। अच्छा ये गोल्ड लेवल। हाँ, इसमें दो बोतल गया। अच्छा ये 9,500 रुपए की। क्या बात है। फिर उसके सब नीचे ही है। अच्छा फिर ये सब कम कम वाले। हाँ हाँ कम कम वाले। कितने हजार के माल पे आपका हाथ साफ किया था उसने? उसने 410,000 का तो माल लेके गया इधर से। 410,000 का यहाँ से माल ले गया? हाँ, जो मेरी जानकारी में है। अच्छा, और उधर से जो गया होगा वो तो मान लो बिकता रहता तो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लगभग लगभग 4.5 लाख का नुकसान हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश यादव। वही हमने दुकानदार के मुखिया से बात किए, उनका कहना था कि उम्मीद है हमारे दुकान से चोरी गए माल हमें रिटर्न मिल जाएंगे, पर देखना होगा कितना बरामद होता है। राजू जी ये बताएं कि नवी मुंबई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जिसमें एक सातिर चोर को पुलिस पकड़ने में कामयाब रही है। और ये चोर सिर्फ शराब के दुकान को तोड़ता था और उसमें से कीमती शराब चुराता था। तो जैसा कि जानकारी मिला है कि आपके भी शराब के दुकान है, क्या आपके दुकान में भी चोरी हुई है कभी? ये हमारा एक ग्रुप है, विकी ग्रुप, जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ जी। उसके तहत हमारे पास कम से कम 20 से 23 दुकानें हैं जी। उसमें हमारे 3 दुकानों में ये रॉबरी हुई है जी, जिनका नाम है प्रीतेश वाइंस, ट्विंकल वाइंस और कामोटे में मेघना वाइंस जी। अगर आंकड़ों की अगर बात की जाए तो इन तीनों दुकानों में से किस तरह की शराब चोरी की गई है और कितने की होगी? ये करीबन हमारे 3 दुकान की गिनेंगे तो कम से कम 6.5-7 लाख की चोरी जी। तो अब जैसा कि NRI पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है और जैसे कि जानकारी मिला है कि काफ़ी शराब भी जब्त किए गए हैं, तो इसमें से आपके दुकान की शराब हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, मुझे फ़ोन भी आया था जी, मुझे वहाँ जाना है, उनसे मिलना है। और क्योंकि शराब की चोरी है तो उसको बहुत इजीली होता है हमको निकालने का, बैच नंबर और उससे। ओके, बैच नंबर से निकाल सकते हैं कि शराब कौन से दुकान की। तो आपको रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी के लिए तो कोर्ट ही जाना होगा? बिल्कुल, FIR दाखिल हो गई तो कोर्ट से ही मिलती है प्रॉपर्टी जी। तो आपका FIR दाखिल है? बिल्कुल, FIR दाखिल। तो आपको लगता है कि अब जो है आपकी जो चोरी गई संपत्ति है यानी कि शराब की जो महंगी महंगी बोतलें हैं वो आपको वापस मिल जाएगी?
बिल्कुल उम्मीद तो यही है, अगर उसने बेची नहीं होगी या दारू पिया नहीं होगा उसने जी, तो बिल्कुल मिलने की उम्मीद है। तो जब इस बात की आपको जानकारी मिली तो आप वहाँ पहुँचे थे साहब, जो चोर था उसका आपने उससे आपने बात की या पुलिस अधिकारी से आपने बात की या नहीं की? नहीं, मैं अभी तक तो गया नहीं हूँ जी, मुझे मेरे लड़के को बुलाया था जी, तो मैं अभी तक जा नहीं पाया। इस विषय पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज वह गिरफ्तार नहीं होता तो एक और शराब के दुकान को साफ कर चुका होता। सुने आला अधिकारी ने राम निवास गुप्ता के शान में क्या बताया। 11 अगस्त को एक ऑफेंस दाखिल किया था NRI पुलिस स्टेशन में, SBT का 457-380 IPC के तहत मामला दर्ज किया था कि बहुत सारे वाइन शॉप्स में चोरी होती रही थी और विदेशी शराब जो है वो चोरी जाने के बहुत सारे मामले हुए हैं। ग्यारह अगस्त से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी NRI टीम, और हमें इसमें कामयाबी मिली, जिसमें एक आरोपी जिसका नाम है राम निवास मंजू गुप्ता, ये 33 एज का है, खड़े वडौली करके कल्याण का रहने वाला है। इससे इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इन्होंने ये खुद अकेला जाके वाइन शॉप खोलता था। पहले वाइन शॉप पैसे के लिए खोलता था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि इसमें जो विदेशी शराब है उसका ज़्यादा पैसा आता है, तो वहाँ के शराब के जो विदेशी शराब है उसके बोतल्स चुराता था और बाद में कुछ कम कीमत में बेचता था। उसे अभी तक पुलिस ने 6 ऑफेंस में उसका सहभाग होने के हिसाब से उसको गिरफ्तार किया है NRI के पुलिस स्टेशन में। इसके बावजूद उन्हें NRI तलोजा नेरोड वाशी सानपड़ा एंड टिड़क नगर मुंबई, ये 6 गुने की कबूली हमारे पास दिया है, जिसमें से हमने अभी तक 3.25 लाख के करीब मुद्देमाल उससे हासिल किया है उसकी गाड़ी के साथ। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि इस एक्यूज के ऊपर थाने मुंबई में टोटल 21 ऑफेंस ऑलरेडी दाखिल है, जिसमें वो अरेस्ट होकर बाहर आए हैं। अभी हम तहकीकत कर रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि अभी आज अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो अगला टारगेट सेक्टर 15 में कोई शॉप है, उसमें वो चोरी करने वाला था, उसने रेकी करके रखा था। बहुत दिन से, एक साल से मुंबई थाने नई मुंबई पुलिस उसकी तलाश में थी, आज NRI पुलिस स्टेशन में उसमें कामयाबी मिली है, उसको गिरफ्तार किया है। और इसने कहीं ऐसे वारदात को अंजाम दिया है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन NRI सीनियर इंस्पेक्टर श्री रविंद्र पाटिल। सर, उसके पास से अब तक कोई शराब भी जब्त हुई, जो विदेशी शराब उसने चुराए हुए थे? उससे तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। किसी दुकान से उसका टाइप था जो इम्पोर्टेड शराब जो बेचने वाले, जैसे जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल गोल्ड लेवल वगैरह था, तो ये किसी दुकानदार से टाइप किया था, उसको दे देता था, क्योंकि आम आदमी तो उसको खरीद नहीं सकता है? नहीं, इसे कोई ऐसा दुकान में टाइप उन्होंने किया ऐसा नहीं है, लेकिन किया भी हो सकता है, अभी उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड में है जी, उसका भी पता करेंगे। और क्या काम करता था सर दिन में, वैसे चोरी के अलावा भी कुछ करता था? मतलब वही उसका काम था, फुल टाइम वर्क वही था, रात को चोरी कर लो और दिन में आराम करो दारू पी के। वही यह आरोपी है जो अभी पुलिस के मेहमान हैं। देखना होगा कि पुलिस की खातिरदारी से खुश होकर और क्या क्या कारनामों का खुलासा करता है। राम निवास मंजू गुप्ता के पास से कुल मिलाकर 3,18,510 रुपये के कीमती शराब जब्त किए गए हैं। वैसे आपको बता दें कि अब कुछ महीने या कुछ साल गुप्ता सरकारी मेहमान के तौर पर जेल में अपना समय व्यतीत करेंगे।